हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैटोजोन के बारे में, जिसका एक और नाम है लैम्प्रे। ये बीएससी थर्ड के अंदर कोर डेटा पेपर फर्स्ट आता है, उसके अंदर ये चैप्टर या फिर हम कहें ये टॉपिक दिया हुआ है। ये फोटोज में दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल पैट्रोमाइजोन या फिर हम कहें लैम्प्रे की है। तो देखने में ये जो जीव है ये हमें बिल्कुल मछलियों के जैसे, फिशेज के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऐसे हो नहीं, लेकिन ये जैसे ऐसे होते नहीं हैं। आगे जब हम बात करेंगे इसके बारे में तो हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन वगैरह देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैंने यहाँ पर ये जो लैम्प्रे है या फिर हम कहें पैट्रोमाइजोन है उसका रियल वीडियो दिया गया है लास्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको एक बार हम किसी चीज़ को ओरिजिनली देख लेते हैं तो वो दिमाग में हमारे में पूरी तरह क्लियर हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट्स वी आर गोइंग टू रीड, यानी कि इस जो लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, यानी कि इसका वर्गीकृत स्थान देखेंगे कि ये एनिमिलिया का जो वर्गीकरण होता है उसमें कहाँ ये अपना स्थान रखता है अपना, ठीक है। उसके बाद हम इसका हैबिट्स एंड हैबिटेट देखेंगे, यानी कि क्या इसके स्वभाव एवं आवास हैं, कहाँ पर ये रहता है, क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हम इसके बाहरी स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि बाहरी संरचना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। उसके बाद हम इसकी मुख की या फिर हम कहें बक्कल फनल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिर हम इसकी आइज देखेंगे और उसके बाद हम इसके अपर्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम जब एक बार पढ़ लेंगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन आता है बड़ा, जिसके अंदर पूछा जाता है कि पैट्रोमाइजोन के सामान्य लक्षण लिखिए, उसका वर्गीकरण वगैरह दीजिए, तो पूरे कंप्लीट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर संक्षिप्त पूछी जाती है तो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इस पूरे लेक्चर को यदि आप देख लेते हैं। तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखें लास्ट तक। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की, यानी कि इसका जो वर्गीकृत स्थान है वो ये कहाँ रखता है। तो देखिए, संघ यानी कि फाइलम है इसका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा पेपर हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम उसके ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप आता है वर्टिब्रेटा, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर वर्टिब्रेटा पाई जाती है उन्हें हम वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर रखते हैं। उसके बाद हम इनके उपसंघ यानी कि सब फाइलम की बात करते हैं, तो वो होता है एग्नेथा। एग्नेथा कौन से जीव जंतु हैं जिनको हम एग्नेथा के अंदर रखते हैं? तो देखिए, 2 तरह के जीव होते हैं जिनके अंदर जौ यानी कि जबड़े जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है एग्नेथा जंतु, ठीक है, और जिनके पास जौ नहीं पाए जाते यानी जिनके पास एब्सेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है एग्नेथा। तो इनके पास जौ नहीं पाए जाते यानी कि जबड़े इनके पास नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें एग्नेथा जंतु कहा जाता है। एग्नेथा के अंदर इनको सब फाइलम के अंदर रखा गया है। इसके बाद हम इसके क्लास की बात करते हैं यानी वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग इनका साइक्लोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोमेटा देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला वर्ड शब्द है साइक्लो और दूसरा है स्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है आपका चक्रीय, कोई चीज़ सर्कुलर या फिर गोल, और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, यानी कि इनका जो माउथ है वो कैसा होगा, राउंड होगा या फिर गोल इनका जो माउथ है वो होगा। उसके बाद हम इनके ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर है इनका पैट्रोमाइजोन्सिया, ठीक है, पैट्रोमाइजोन्सिया। और दूसरा है इनका वंश यानी जीनस की बात करते हैं, जैसे इनका पैट्रीमाइजोन। पैट्रोमाइजोन कि यदि हम शब्द की यदि देखें कि शब्द कैसे बना है, तो वो भी 2 शब्द से मिलकर बना है, पेट्रो और माइजोन। पेट्रो का मतलब होता है स्टोन या फिर हम कहें पत्थर, और माइजोन का मतलब होता है चिपकने वाले, यानी कि ये क्या है, पत्थरों पर चिपके हुए ये पाए जाते हैं नॉर्मली रूप से। तो ये इसका वर्गीकृत स्थान है या फिर सिस्टमेटिक पोजीशन। आप एक बार इसको इस तरह से समझेंगे कि संघ इसका कॉर्डेटा है जो हम पढ़ रहे हैं, फिर ग्रुप इसका वर्टिब्रेटा है यानी कि इसके पास वर्टिब्रेटा पाई जा रही है, नर्व कॉर्ड वगैरह, और इसके बाद सब फाइलम एग्नेथा यानी कि इनके पास जौ नहीं है तो ये जौलेस जंतु हैं, तो एग्नेथा के अंदर रखा गया। फिर इनके क्लास की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा की क्लास है क्योंकि इनका जो माउथ है वो राउंड है। उसके बाद इनके ऑर्डर की बात करें तो पैट्रोमाइजोन्सिया इनका ऑर्डर है। उसके बाद इनके जीनस की बात करें तो पैट्रोमाइजोन इनका जीनस है, जो कि पैट्रो का मतलब होता है स्टोन और माइजोन का मतलब होता है इससे चिपकने वाले। तो इस तरह से यदि आप इस चीज़ को पढ़ेंगे एक बार तो वर्गीकृत स्थान आपका क्लियर हो जाएगा, और यदि पेपर में हम सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है जो हमारी कॉपी वगैरह चेक कर रहा है तो उस पर एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ याद करने वाली नहीं होती है उनके दिमाग में, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमें याद करनी है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो याद आपको ईजिली हो जाएगी। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके कुछ हैबिट एवं हैबिटेट्स हैं, यानी कि स्वभाव एवं आवास हैं। तो सबसे पहले हम लैम्प्रे की कुछ बात कर लेते हैं जनरल। तो साइक्लोस्टोमेटा जो ग्रुप है उसके लिविंग एग्नेथा प्राणी में रखा गया है इनको, ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ एग्नेथा प्राणी ऐसे हैं जो कि नॉन लिविंग हैं या फिर हम कहें जो जीवित नहीं हैं, लेकिन ये साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के ऐसे जंतु हैं जिन जो लिविंग हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें जो अनेक जो लक्षण हैं वो प्रिमिटिव जीवों के हैं, यानी कि जो आदि प्रकार के जीव हैं, जो पुराने प्रकार के जीव हैं
वो इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इनका ओरिजिन डिवोनियन काल से हुआ, ठीक है। बहुत सारे तरह के काल पाए जाते हैं, जब हमने फर्स्ट ईयर के अंदर हमने उद्भवाव या फिर एवोल्यूशन के अंदर वाले पेपर में हमने सारे काल डिवोनियन पीरियड वगैरह पढ़े थे, तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। इसके बाद बात करें कि ये बाहर से देखने में ईल जैसे लगते हैं, ठीक है। ईल क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। ईल का मतलब होता है बोनी फिशेज, जितनी भी स्थल मछलियाँ होती हैं उन्हें या फिर बोनी फिशेज होती हैं उनको क्या बोला जाता है, ईल बोला जाता है। तो ये ईल जैसे दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली ये ईल होते नहीं हैं, ठीक है। अगले की बात करें कि इनका जो मुख है वो चूषण मुख होता है, यानी कि सक्टोरियल माउथ होता है, किसी चीज़ को चूसने वाला, और राउंडेड होता है, ये हमने पहले ही बात कर ली कि वृत्ताकार इनका मुख होता है, तो इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा कहा गया, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, यानी पेट्रोमाइजोन बहुत बड़ा वर्ग है, तो इसके अंदर कौन कौन से जो जीव हैं वो आते हैं, तो एक आती है लैम्प्रे, ठीक है, लैम्प्रे आती है। दूसरी आती है आपकी हैग फिश। देखिए नाम इन किया गया है लेकिन एक्चुअल में ये फिश होती नहीं है। जैसे कि हम इसका एक और एग्जांपल देखें तो देखिए स्टार फिश जो होती है, उसके नाम के पीछे फिश है लेकिन वो फिश होती नहीं है, वो क्या होती है, वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है, ठीक है। तो इसी तरह से इनकी जो हैग फिश है, मिग्जाइन जिसे कहते हैं, वो नाम उसका फिश है लेकिन वो फिश है नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो लैम्प्रे, ठीक है, तो लैम्प्रे और हैग फिश इसके अंदर आती है। एंड फ्रेश, यानी कि ये दोनों तरह के पानी में पाई जाती है, ये समुद्री पानी में भी पाई जाएगी, यानी समुद्र जल में भी पाई जाएगी, और ये स्वच्छ पानी में भी पाई जाएगी। चलिए, फाउंड बोथ टाइप ऑफ वाटर मराइन एंड फ्रेश, यानी कि ये दोनों तरह के पानी में पाई जाती है, ये समुद्री पानी में भी पाई जाएगी, यानी समुद्र जल में भी पाई जाएगी, और ये स्वच्छ पानी में भी पाई जाएगी। चलिए, दूसरे की हम बात करते हैं, इट इज़ फ्री लिविंग और एक्टोपैरासाइट, यानी कि ये स्वच्छंद जीवी होती है, यानी कि फ्री लिविंग रहती है, कोई किसी पर भी ये परजीवी के रूप में नहीं पाई जाती है, अंत है परजीवी, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो कि परजीवी रूप में ही पाई जाएंगी, और परजीवी में भी एक्टोपैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी। कैसे पाई जाएंगी, बाह्य परजीवी के रूप में, कुछ मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाएंगी, या फिर कुछ कछुओं पर बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाएंगी। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो लैम्प्रे, ये कलर की जितनी भी मछलियाँ, ये क्या है, ये लैम्प्रे हैं, और ये एक कोई मछली है, इसके ऊपर ये ऐसे एक्टोपैरासाइट के रूप में पाई जाएंगी, यानी कि इनका जो मुख है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इनका जो मुख होता है वो चूषण की तरह होता है, यानी सक्कर टाइप का इनका मुख होता है, तो उससे ये चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद इस तरह से ये बाह्य परजीवी के रूप में रहती हैं, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं, तो इट इज़ प्रीडेटर एंड कार्निवोरस, यानी कि ये कैसी होती है, परभक्षी होती हैं और मांसभक्षी भी प्रकार के जंतु हैं, जो कि शिकार को पकड़ते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे की हम बात करें तो ये इतनी तेज़ी से तैर सकती है या इतनी फुर्ती से तैरती है कि जैसे कुछ जंतु होते हैं, जैसे कछुआ होता है वो धीमे धीमे चलता है, तो ये अपनी तेज़ी से स्पीड बढ़ा के उसके करीब जाएंगी, ये जैसे कछुआ है, ये यहाँ से चल रही हैं, तो ये तेज़ी से उस पर चिपक जाएंगी और बाह्य परजीवी के रूप में उस पर रहने लगेंगी, ठीक है। अब इसके माउथ की बात करते हैं, तो इसका माउथ कैसा होता है, इट्स माउथ एक्ट लाइक शकर और वैक्यूम, यानी कि इसका जो मुख है वो एक चूषक की तरह कार्य करता है, या फिर निर्वात पंप के रूप में कार्य करता है, वैक्यूम पंप के रूप में कार्य करता है, यानी कि किसी चीज़ से एक बार चिपक जाएगा तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब किस तरह से चिपकता है, तो ये अपने प्राणी पर क्या करता है कि प्राणी पर बकल फनल, यानी कि इसका जो मुख कीप है उस पर कुछ श्रृंगीय दांत पाए जाते हैं, या फिर हम कहें हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, तो उनसे ये रेतता है या फिर उधेड़ता है। मैं उसका भी आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से दिखाई देता है, इनका जो मुख है ये देखिए, ठीक है, ये इनका मुख है, ऐसा दिखाई देता है, तो ये इस पर छोटे छोटे जो टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोला जाता है हॉर्नी टीथ, ठीक है। तो इनके सहायता से ये किसी भी जीव है या फिर जंतु है उस पर ये बाह्य पैरासाइट के रूप में चिपकता है, या इनसे वो दांतों से उधेड़ता है, उस चीज़ को रेतता रहता है और फिर उसमें जाके चिपक जाता है और जो खून निकलता है उसको चूसता रहता है, ठीक है। तो ये इस मुख की सहायता से ये किसी भी जीव पर चिपक जाता है, बाह्य पैरासाइट के रूप में रहता है। अगली बात करें, मोस्ट ऑफ इट्स स्पीसीज लिव इन द सीज विच ऑफन रीच द रिवर्स टू ले एग्स। अब देखिए इसके अंदर एक और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लैम्प्रे की जो अधिकांश जातियां हैं वो समुद्र में रहती हैं, ठीक है। वैसे रहे ये दोनों तरह के वाटर में सकता है, मराइन में भी सकता है और ये फ्रेश वाटर में रह सकता है, लेकिन मोस्टली जो जातियां हैं इनकी वो सी में रहती हैं, यानी कि समुद्र में रहती हैं, लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है कि इनको समुद्र को छोड़ना पड़ता है और नदियों में या फिर हम कहें फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है, और वो कौन सी इनकी स्थिति है, रिवर्स टू ले एग्स, यानी कि जब इनके अंडे देने के लिए समय आएगा, जब इनका अंडे देने, यानी कि इनका जो स्प्रिंग सीजन के दौरान का जो प्रजनन होता है, तो
तो उसमें ये क्या करती हैं, समुद्र को छोड़कर नदियों में इनको जाना पड़ता है, और अंडे देने के बाद इनकी खासियत होती है कि अंडे देने के बाद ये मर जाती हैं। ठीक है, क्या है कि ब्रीडिंग टेक प्लेस इन द स्प्रिंग, यानी कि बसंत ऋतु के अंदर इनका प्रजनन होता है, ब्रीडिंग होता है, और दे डाई आफ्टर लेइंग एग, यानी कि अंडे देने के बाद ये प्राय मर जाती हैं। ठीक है, ये इनके बेसिक कैरेक्टर्स हैं प्रजनन के जो हमने देखे। इसके बाद अगले की बात करते हैं कि दीज इंक्लूड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच अकर इन वाटर। अब देखिए, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, लेकिन वो किस प्रकार का निषेचन होगा, वो बाह्य निषेचन होगा। देम इनके अंदर लार्वा स्टेज पाई जाती है जिसका नाम है एमोसीट लार्वा, जो कि किसके अंदर पाया जा रहा है, फ्रेश वाटर के, क्योंकि जो निषेचन है वो फ्रेश वाटर में यानी कि नदियों के अंदर हो रहा है। तो एमोसीट जो लार्वा है वो कहाँ पला बढ़ेगा, वो एमोसीट जो लार्वा है वो कहाँ पला बढ़ेगा, वो नदियों के अंदर ही पला बड़ा होगा, और जैसे ही वो एक नए लैम्प्रे के अंदर बदल जाएगा, वयस्क लैम्प्रे के अंदर बदल जाएगा, वो दोबारा समुद्र के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं कि दिस लार्वा इज हाईली सिमिलर इन साइज एंड हैबिट टू ब्रैंकियोस्ट्रोमेटा। तो ब्रैंकियोस्ट्रोम्स जो होते हैं वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो उनके जो लार्वा है उसके जैसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ब्रैंकियोस्ट्रोमेटा के जैसा कुछ ये दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि यदि ये नदी के अंदर चले गए तो वहाँ इनको जीव जंतु नहीं मिले, एक और इनकी खासियत है कि वहाँ इनको खाने के लिए कुछ ना मिले, तो ये क्या करती हैं, इनकी त्वचा के नीचे कुछ फैट जमा होती है, कुछ बसा इनकी त्वचा के लिए जमा होती है, वहाँ से ये धीरे धीरे पोषण लेती रहती हैं, क्योंकि लास्ट में तो इनको ख़त्म होना ही है, अंडे देने के बाद इनको मरना ही है। ठीक है, तो इस तरह से इनके हैबिट और हैबिटेट यानी कि जनरल कैरेक्टर्स हमने देख लिए। इसके बाद ये मैंने आपको डायग्राम बता ही दिया। इसके बाद हम बात करते हैं इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम इनकी बाह्य संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके शेप एंड साइज की बात करें तो इनका जो शेप है वो एलोंगेटेड होता है, यानी कि लंबा होता है। वयस्क जो लैम्प्रे है वो लंबी होती है। दूसरा सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार वो होती है, एंड ईल लाइक, ईल का मतलब बोनी फिश। देखिए, यहाँ से जब हम इस चीज़ को दूर से देख रहे हैं, दोनों डायग्राम को हम देखते हैं, ऊपर वाला आपका फीमेल है और नीचे वाला मेल है, तो जब हम इन दोनों डायग्राम को देख रहे हैं तो हमें ये जो संरचना है दूर से देखने पर कुछ मछलियों जैसी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में ये मछली होती नहीं है। मैंने बताया था ईल क्या होती है, बोनी फिशेज को ईल बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ जातियाँ हैं, इनके लंबाई की यदि बात करें तो बहुत सी जातियों में लंबाई इसकी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि एक समुद्री लैम्प्रे है जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन मेराइनस, ये सिर्फ समुद्र के अंदर पाई जाती है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, दूसरी एक है लैम्प्रेटा फ्लूविटस। की बात कर रहे हैं हम इनके कलर की, तो डोर्सल जो इनकी सरफेस होती है यानी कि जो पृष्ठ सतह होती है लैम्प्रे की, वो प्राय कैसी होती है, ग्रीनिश ब्राउन होती है, यानी कुछ हरा भूरा कलर होता है, या फिर वो नीली भी हो सकती है। और यदि हम इनके वेंट्रल सरफेस की साइज हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, अगले की बात कर रहे हैं हम इनके कलर की, तो डोर्सल जो इनकी सरफेस होती है यानी कि जो पृष्ठ सतह होती है लैम्प्रे की, वो प्राय कैसी होती है, ग्रीनिश ब्राउन होती है, यानी कुछ हरा भूरा कलर होता है, या फिर वो नीली भी हो सकती है। और यदि हम इनके वेंट्रल सरफेस की बात करें, ठीक है, हम इनकी अधर सतह की बात करते हैं या फिर पार्श्व सतह की बात करें, तो वो कैसा होता है, सफ़ेद इनकी पार्श्व सतह होती है, ये इनका कलर हो जाता है। इसके बाद हम इनके फिन्स की बात करते हैं, फिन्स यानी कि पंख, तो इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी कि युग्मित जो पंख होते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाते। यहाँ पर देखिए जो फिन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन, तो डोर्सल फिन के अंदर यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ नहीं रहे आपस में, इनमें भी कट पाया जा रहा है, यानी कि ये फर्स्ट डोर्सल फिन है, फिर ये दूसरा सेकंड डोर्सल फिन है, फिर लास्ट में कॉडल फिन इसके अंदर पाया जा रहा है। एट द पोस्टीरियर एंड यानी कि पश्च सिरे पर 2 डोर्सल फिन्स आर इन प्रेजेंट, यानी कि 2 डोर्सल फिन्स पाए जाएंगे। देखिए फर्स्ट डोर्सल फिन, फिर दूसरा सेकंड डोर्सल फिन, और लास्ट में एट द टेल पार्ट 1 कॉडल फिन इज आल्सो प्रेजेंट, ये कॉडल फिन हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्या होता है, एक जो मादा होती है उसके अंदर एनल फिन पाया जाता है, लेकिन जो नर होता है उसमें एनल फिन किसके अंदर चल जाता है, ऑडिटरी पैपिली के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि उसके लिए एक पेनस की तरह कार्य कर सकता है, हम कह सकते हैं बांट लिया। इसके अलावा इसके आई पाई जा रही है, गिल स्लिट यानी कि हम कहें क्लोम दरारें इसके अंदर पाई जा रही है। यहाँ पर हम इसके माउथ को देख, ऑटोरियल फनल यानी कि राउंड हमें दिखाई दे रहा है, और कुछ दांतनुमा स्ट्रक्चर हमें इस पर दिखाई दे रहे हैं, क्लोम दरारें इसके अंदर पाई जा रही है। यहाँ पर हम इसके माउथ को देख, ऑटोरियल फनल यानी कि राउंड हमें दिखाई दे रहा है, और कुछ दांतनुमा स्ट्रक्चर हमें इस पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देख लिए। इसके बाद हम इसके बकल फनल की बात करते हैं, यानी कि मुख कीप की बात करते हैं। तो लैम्प्रे के शरीर के सिर भाग के अग्र सिरे पर अधर तले पर प्याले नुमा, ठीक है, दे रही है, बिल्कुल प्याले जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है। एक खांच होती है जिसमें सकर या फिर उसे बकल फनल कहा जाता है। ये क्या करती है, ये होस्ट पर चिपकने में सहायता करती है, मैंने पहले आपको बता दिया। यहाँ पर एक मर्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, देखिए ये मर्जिनल मेम्ब्रेन, ठीक, ये मर्जिनल मेम्ब्रेन ये आपको दिखाई दे रही है।
ये क्या काम करती है, जिसके बाहर अतिव्यापी मुख्य झलरियाँ या फिर ओरल फेमरी पाई जाएंगी जो कि सेंसरी स्राय होती हैं। इसके क्या ओरल फेमरी पाए जा रहे हैं चारों तरफ, जो कि क्या करें सेंसरी की तरह काम करेंगे, यानी सेंसर ऑर्गन्स की तरह काम करेंगे। इनसे जब कोई टच होगा तो ये पहचान कर लेंगे कोई जंतु आ गया है, उस पर जाकर अटैक कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या, इसके भीतरी सतह पर पीले कलर के श्रृंगीय दांत या फिर हम कहें हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, जो कि रेडियल रोज में लगे होते हैं, यानी कि गोलाकार में लगे हुए हैं। बीचों बीच में बिल्कुल माउथ की ओपनिंग होती है, यानी कि मुख की ओपनिंग होती है, और टंग बियरिंग टीथ यानी कि ऐसी जीव होती है जिस पर भी छोटे छोटे दांत लगे होते हैं। ये बीच में डायग्राम है, इस पर भी छोटे छोटे दांत लगे होते हैं, ये भी उसको कुरेदने या फिर खुरचने का काम करती रहती है और उसको रेतती रहती है और खुरचने का काम करती रहती है और उसको रेतती रहती है। और फिर जो रुधिर है या फिर ब्लड है किसी भी एनिमल का जिस पर ये परजीवी के रूप में रह रहे हैं या फिर स्लेष्मा उसके अंदर पाए जाते हैं, वहाँ से ये फिर उसको सक करते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पष्ट जबड़ों का बिल्कुल अभाव रहता है क्योंकि ये एग्नेथा के अंदर आते हैं, ठीक है। अगले हम बात करते हैं इसके आईज के बारे में कि इनकी आईज की क्या खासियत है। तो इनकी जो आईज हैं इस डायग्राम के अंदर देखिए, एट लेटरल सरफेस यानी कि पार्श्व सतह पर एवरी साइड वन आई प्रेजेंट, यानी कि दोनों तरफ एक एक आई आँख पाई जाएगी। देखिए पार्श्व सतह पर लेटरल आईज हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेल डेवलप्ड एंड क्लियरली विजिबल, यहाँ पर वेल डेवलप्ड आई हैं, बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रही हैं, किसी भी तरह का छुपी हुई नहीं है आई किसी से, ठीक है। और आँखों पर पलकों का बिल्कुल अभाव होता है, आईलिड्स बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, लेकिन एक स्किन की पतली पारदर्शी लेयर द्वारा आँखें हैं वो ढकी हुई रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अपर्चर या फिर हम कहें छिद्र। तो इसमें कई तरह के छिद्र पाए जाते हैं, देखिए कौन कौन से छिद्र हैं। सबसे पहला जो छिद्र है वो माउथ है, हमने इसके बाद बात कर ली। एक सकरा छिद्र होता है जो कि बकल फनल के रूप में सीड्स पर उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नोस्ट्रिल्स की या फिर नासा क्षेत्र की। तो सीड्स की पृष्ठ सतह पर यानी कि ऊपर सीड्स की पृष्ठ सतह पर क्या पाए क्या देखने को मिलेगा हमें, एक अकेला मध्य में नासा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके तुरंत पीछे एक पारदर्शी क्षेत्र होता है जहाँ पर जिसे पीनियल और ओरिजन कहा जाता है। ये देखिए मान के चलिए नासा क्षेत्र है, मीडियन एक्सटर्नल लेयर्स और ये फिर पीनियल ऑर्गन्स हमें देखने को मिलेंगे। नासा क्षेत्र एक सैक में खुलता है, ठीक है, एक नेजल सैक में खुलता है या फिर कहें नासा कोश में खुलता है, उसको बोला जाता है कि और बाह्य क्लोम दरारें या फिर गिल स्लिट पाए जाते हैं, ठीक है। गिल स्लिट भी इसके अंदर पाए जाएंगे। उसके अलावा क्लोइका जिसे कहा जाए अवस्कर, धड़ एवं पुच्छ के संगम स्थल पर, ठीक है, जहाँ पर ट्रंक जुड़ेगा या फिर पूंछ हमें जहाँ पर दिखाई देगी उधर एक दरारनुमा कांच पाई जाएगी जाते हैं, ठीक है। गिल स्लिट भी इसके अंदर पाए जाएंगे। उसके अलावा क्लोइका जिसे कहा जाए अवस्कर, धड़ एवं पुच्छ के संगम स्थल पर, ठीक है, जहाँ पर ट्रंक जुड़ेगा या फिर पूंछ हमें जहाँ पर दिखाई देगी उधर एक दरारनुमा कांच पाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे एनल अपर्चर या फिर हम कहें गुदा छिद्र हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें वापस उस डायग्राम पर जाना होगा। यहाँ समझ रहे हैं हम इन चीज़ों को कि हमें क्या देखने को, हमें क्लोइका देखना है मान के चलिए। तो धड़ एवं पुच्छ के संगम स्थल पर यहाँ पर कहीं क्लोइकल छिद्र हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दरानुमा कांच पाई जाए जिसे अवस्कर कहते हैं। इसके शिखर भाग पर मूत्र जनन पैपिला पाई जाती है जिस पर मूत्र जनन छिद्र हमें ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, ये अवस्कर में खुलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और छिद्र पाया जाएगा जिसे बोलेंगे सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी पोर्स, ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे संवेदी क्षेत्र। तो लैम्प्रे में सिर एवं धड़ के पार्श्व भागों की त्वचा पर अनेक पार्श्व रेखा तंत्र या फिर लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है और जो एपर्चर हैं या फिर छिद्र हैं वो उपस्थित होते हैं। ये संवेदी प्रकृति के होते हैं एवं जलधारा प्रवाह के प्रति सुग्राही होते हैं। तो ये सेंसरी पोर्स या फिर ऐसे कुछ छिद्र हमें देखने को मिल जाएंगे। में हम आपके एमोसीट लार्वा के बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि एमोसीट लार्वा क्या होता है, क्या कैसे उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, क्या उसके लक्षण हैं। तो चलिए वीडियोस को आज यहीं खत्म कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।